प्लीज वेलकम अक्षय कुमार, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब। पाजी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वैसे कपिल अच्छे लग रहे हो बेटा तुम। बस पाजी ऐसे ही बस। ये आदमी को ना कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। आदमी बोलता है थैंक यू वेलकम, लेकिन ये बोल रहे बस ऐसे ही चल। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आदमी ऐसे बोलता है ऐसे ही है जो जिंदगी में जो कुछ ना करे, बस सीट पे बैठ के सेकता रहे सीट। अगर अर्चना जी बोले ऐसे, हाँ भाई कैसे है, तो ठीक है। मानुषी मिस वर्ल्ड तो है ही, मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अक्षय पाजी के साथ फिल्मों में इनका डेब्यू हो रहा है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि मैं उस हीरो के साथ फिल्म करूंगी जो सबसे ज्यादा कपिल शर्मा शो में जाता है, तो मैं भी। एक्चुअली प्लान तो यही था कि मुझे कपिल शर्मा शो पे आना है। अक्षय पाजी का मानना पड़ेगा। वैसे एक बात तो है, जब हम स्कूल में थे ये माधुरी दीक्षित जी उनके साथ रोमांस कर रहे हैं, आयशा जुल्का के साथ। जब हम कॉलेज में आए विपाशा कैटरीना के साथ रोमांस कर रहे थे, और अब क्यारा कृति मानुषी, हम तो बस इनकी हीरोइन की इंटरव्यू करने के लिए पैदा हुए। क्या क्या कर रहा है इसका पारी? डांस में बड़ा हाथ तंग है तो हमें क्यों तंग कर रहा है आदमी? भाई मेरा बचपन का दोस्त है यार ये। अबे तो बचपन का दोस्त है तेरा? हाँ। तो नीचे बैठे थे मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है, नीचे बैठे इधर। डॉक्टर साहब मैंने सुना कि 18 साल इन्होंने मेहनत की, उसके बाद अक्षय पाजी को लिया, तो मेरे को कब लोगे आप? अगले 6 महीनों के भीतर। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आई एम ए फैंटास्टिक एक्टर। इसने जीवन में कोई बहुत श्रेष्ठ काम किया होगा तो वो मेरे साथ करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि अपनी करी जा रहे हैं। सर आप प्रोड्यूसर भी बन गए ना, तो मैंने एक बहुत पारिवारिक फिल्म लिखी है सर। सुना सुना कहानी सुना। मेरे पास पिक्चर का टाइटल है सर। क्या टाइटल है? भैया को नहला के शैम्पू से, भौजी देवर संग भागी टेम्पू से।